नमस्कार, छोटे क्रिकेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत की फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग, जिसे हम लोग इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के नाम से जानते हैं, हर साल इसमें से कई युवा खिलाड़ी निकल कर आते हैं और भारतीय टीम में जगह बनाते हैं। आईपीएल ने कई युवा खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका दिया है, यानी इस लीग ने कई युवा खिलाड़ियों को तराशा है। आईपीएल 2022 यानी लीग के 15वें सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। इस बार लीग कई मायनों में खास है, क्योंकि इस बार 8 नहीं बल्कि 10 टीमें खेल रही हैं, इसलिए इस बार मुकाबले भी ज़्यादा हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को मौका मिला है। ऐसे ही एक युवा खिलाड़ी के बारे में बात करेंगे, जो कि अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीता है। इस खिलाड़ी का नाम है आवेश खान, जो नई टीम लखनऊ सुपर जायंट्स का हिस्सा है। आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन में आवेश खान का बेस प्राइस 20 लाख रुपये था। इस खिलाड़ी को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियों में काफ़ी टक्कर हुई थी, लेकिन अंत में लखनऊ की टीम ने उन्हें 10 करोड़ रुपये में खरीद कर अपने साथ जोड़ लिया। यही नहीं, आईपीएल के 15वें सीजन से पहले बैंगलोर में 12 फरवरी को नीलामी की शुरुआत हुई। नीलामी के पहले ही दिन दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व तेज गेंदबाज आवेश खान ने इतिहास रच दिया और वे आईपीएल नीलामी में सबसे ज़्यादा कीमत पाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। आवेश खान के आईपीएल करियर को देखें तो वो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के सदस्य रह चुके हैं। गौरतलब है कि भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच हाल ही में फरवरी 2022 में कोलकाता में T20 सीरीज़ का तीसरा मैच खेला गया था, जिसमें आवेश खान को इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में जगह दी गई। उन्होंने T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया। आवेश हालांकि T20 इंटरनेशनल में डेब्यू पर प्रभावित नहीं कर पाए और उन्होंने 4 ओवर में 42 रन दे दिए। भारत ने यह मैच 17 रन से जीत कर 3 मैचों की सीरीज़ में क्लीन स्वीप जरूर किया। आवेश खान घरेलू मैचों में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं, इसी वजह से उन्हें भारत की T20 टीम में शामिल किया गया था। घरेलू मैचों में मध्य प्रदेश के लिए खेलने वाले गेंदबाज आवेश खान ने अब तक प्रभावी प्रदर्शन किया है। उन्होंने रणजी में 2014-15 के सीज़न में डेब्यू किया था। वे भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। आवेश खान ने कई मौक़ों पर शानदार प्रदर्शन किया, इसका उन्हें फ़ायदा मिला और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। आवेश खान ने अपने घरेलू क्रिकेट करियर में फर्स्ट क्लास मैचों में 100 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने 27 मैचों में 4 बार 5 या इससे ज्यादा विकेट लिए हैं, जबकि लिस्ट ए के 22 मैचों में 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। वे 48 T20 मैच खेल चुके हैं। आवेश ने इन मुकाबलों में 65 विकेट लिए हैं और यही कारण है कि आवेश खान को खरीदने के लिए फ्रेंचाइजियों में लड़ाई देखने को मिली थी। गौरतलब है कि घरेलू सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के बाद खिलाड़ी आईपीएल में आते हैं, फिर आईपीएल में दमदार प्रदर्शन कर भारतीय टीम में जगह बनाते हैं। अभी हाल के दिनों में इसके कई उदाहरण हैं। चेतन सकारिया, वेंकटेश अय्यर, टी नटराजन, वरुण चक्रवर्ती, दीपक हुड्डा आदि ऐसे कई नाम शामिल हैं। आवेश खान ने एक बार फिर आईपीएल मैच में अपनी गेंदबाजी से सबका दिल जीता और लखनऊ की जीत की एक वजह बन गए। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज आवेश खान ने अपने प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीत लिया। आवेश खान ने 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लिए और अपनी टीम को मजबूती दी। लेकिन इस खिलाड़ी के जज्बे को दाद देना होगा। दरअसल उनकी अम्मी उस वक्त इंदौर के एक अस्पताल में एडमिट थी, लेकिन आवेश मैदान में डटे रहे। उन्होंने अपनी टीम के लिए न केवल मैच खेला बल्कि अपने प्रदर्शन के बलबूते हैदराबाद के ऊपर लखनऊ को जीत भी दिलाए। मैच के बाद आवेश ने अपने 4 विकेट माँ को समर्पित कर दिए। माँ की बीमारी की बात सुन आवेश बेचैन हो गए और उनका हालचाल जानने के लिए दिन भर फ़ोन करते रहे। आवेश ने मैच से पहले भी अपने पिता को फ़ोन किया। आवेश के पिता आशिक खान ने बताया कि आवेश की माँ अभी पहले से ठीक हैं, उनका इन्फेक्शन भी कंट्रोल में है। उस वक्त डॉक्टर ने कहा कि वे जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उसके 2-3 दिन के बाद वो ठीक होकर घर भी लौट गई। तो ऐसा रहा आवेश खान का क्रिकेट करियर। नई फ्रेंचाइजी टीम लखनऊ को आगे भी आवेश खान से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। उनके आगे के क्रिकेट सफ़र के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल आप कॉमेंट कर हमें बताएं कि आवेश खान आपको कैसे खिलाड़ी लगते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रतिभाशाली खिलाड़ी के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।